वेदों में और इसी तरीके पर आए हैं। मोहम्मद कहां कहां आया? पहले मोहम्मद देख लेते हैं। अज्ञान हेतु किरथ मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका। मोह मदांधिकारम, ये संस्कृत उच्चारण है, जो लोग संस्कृत पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा। दो जुमले हैं, मोह मद और आगे है अंधिकारम। मोह मद अंधिकारम, मोह को मद से मिलाएंगे तो पढ़ेंगे मोहम्मद, और मोहम्मद के दाल को दा को आ से मिलाएंगे तो आ गिर जाएगा और लंबा खींचा जाएगा। ये उच्चारण है मोहम्मदांधिकारम। अलग अलग करेंगे तो उसको यूं करेंगे, मोह प्लस मद प्लस अंधिकार प्लस नाशम। मोह मद अंधिकार नाशम, लेकिन जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोह मदांधिकारम नाशम, ये मिलाकर पढ़ा जाएगा। ये संस्कृत उच्चारण है, जैसे आप पढ़ते ना वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। जब आप इल्ला को अलग करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इल्ला अल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। वामिलु अस्सालिहात मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? वामिलुस्सालिहात। ऐसे ही संस्कृत के अंदर भी उच्चारण होता है। मोह मद अंधिकारम नाशम, मिलाएंगे तो मोह मदांधिकारम नाशम। मोहम्मद आएंगे अज्ञान ला इल्मी को, अज्ञानता को, जिहालत को खत्म करेंगे। अज्ञान हेतु किरत सबके लिए आएंगे, सबको रोशनी पहुंचाएंगे। जैसे सूरज की रोशनी हिंदू मुसलमान का घर नहीं देखती, सबके घर में आती है, ऐसे ही मोहम्मद एक सूर्य की तरह चमकेंगे और उनका प्रकाश सबके लिए होगा। यानी सूरज की रोशनी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, ऐसी मोहम्मद सबके हितकारी होंगे, सबके लिए रोशनी लेकर आएंगे। वो जो कुरान की ज्योति लेकर आएंगे वो रोशनी सबके लिए होगी, सबके कारी बनकर आएंगे। हे तू किरत मोहम्मदांधिकारम नाशम, उनके मोहम्मद के आने के बाद जितना भी अंधेरा होगा दुनिया में, जितनी भी जुल्मत होगी दुनिया में, जितने भी पाप ताप होंगे दुनिया में, जितनी भी जिहालत होगी दुनिया में, जितना भी गुनाहों का अंधेरा होगा दुनिया में, वो सारा का सारा अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद एक सूर्य की तरह चमकेंगे और अंधेरे को नाश कर देंगे। जाहिर है सूरज जब निकलता है, अभी रात है ना, अंधेरा है, कितना अंधेरा है, ये लाइट ना जले तो पता चलेगा अंधेरे की हैसियत। थोड़ी देर कब्रिस्तान पे नजर डाल लो, कितना अंधेरा होगा। थोड़ी देर सड़क पर अपना दिमाग ले जाओ, कितना अंधेरा होगा। जितने भी जराइम होते हैं, चोरी डकैती अक्सर रात में होती है, क्यों? अंधेरे का फायदा लोग उठाते हैं। और सूरज जैसी चमकता है चोर छुप जाते हैं, अंधेरा मिट जाता है। इस मंत्र को सही तरीके से समझना है तो कुरान की इस आयत से समझिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाही बिइज्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या कहा? आए नबी, हमने आपको सिराज मुनीर बनाकर भेजा, रोशन सूरज बनाकर भेजा, रोशन चिराग, सिराज मुनीरा। अल्लाह ने आसमान पर जो सूरज होता है, आसमान जो सूरज चमकता है ना, जो हम देखते हैं, इसको सिराज वहाज कहा। वजअलना सिराज वहाज, आसमान का सूरज भी सिराज है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी सिराज कहा अल्लाह ने। आसमान पे जो सूरज चमकता है उसको अल्लाह ताला ने सिराज के साथ वहाज कहा, बहुत ज्यादा चमकने वाला।
और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज के साथ मुनीर कहा, रोशन कर देने वाला, चमकदार कर देने वाला। आसमान का सूरज चमकता है तो रात का अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह मोहम्मद भी जो तालीम लेकर आए, इस सूरज ने भी गुनाहों के अंधेरे को दूर कर दिया। देखिए मुवासिलत, देखिए फर्क। आसमान का सूरज जब चमकता है तो रात का अंधेरा खत्म हो जाता है, मोहम्मद ऐसी रोशनी लेकर आए हैं कि जब इनकी रोशनी चमकी तो गुनाहों का अंधेरा खत्म हो गया। आसमान का सूरज रात की तारीकी मिटाता है, मोहम्मद का सूरज, मोहम्मद की चमक, मोहम्मद की तालीम गुनाहों का अंधेरा मिटाती है। फर्क दोनों के सूरज में इतना है कि यह सूरज दिन में चमकता है, रात में गायब हो जाता है, लेकिन मोहम्मद की रोशनी और मोहम्मद की तालीम दिन में भी चमकती है और रात में भी चमकती है। इस सूरज का चर्चा दिन में ही होता है, लेकिन मोहम्मद वो सूरज है कि इनका चर्चा दिन में भी होता है और रात में भी होता है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर कहा है, और आसमान पे जो सूरज चमकता है उसको अल्लाह ताला ने सिराज वहाज कहा है। सिराज वहाज से सिराज मुनीर की वक़ात ज्यादा है, इसलिए कि आसमान का सूरज सिर्फ दिन रात की तारीकी मिटाता है, लेकिन मोहम्मद के पास जो तालीम है, कुरान की जो रोशनी है, इस सूरज ने गुनाहों की दलदल और गुनाहों के अंधेरे को खत्म करके रख दिया है। और सूरज जो आसमान पर चमकता है उसका जिक्र सिर्फ दिन में होता है, लेकिन मोहम्मद वो सूरज है कि जिनका जिक्र दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो जिसका जिक्र दिन और रात दोनों में हो, मेरे भाई, जो उससे बढ़कर सूरज कोई नहीं हो सकता। बोहमदानिकारम नाशम, मोहम्मद ऐसे सूरज बनकर आएंगे जो अंधेरे को नाश कर देंगे, पाप ताप को मिटा देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों को मिटाने ही के ऐसे तरीके बताए कि जिससे गुनाहों को मिटा दिया जाए, मिट जाए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी पड़ गया, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाले, गुनाहगारों को शिफात करके, सिफारिश करके जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाले। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम, मोहमदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा नाश हो जाएगा, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा मिट जाएगा। पहला मंत्र आपने सुन लिया, मोहम्मद, मोहम्मद यहां नाम आया। आइए एक दूसरा मंत्र देखते हैं जिसमें महामद आया है। महामद ए तस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचार समन्वितः, महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्वितः, महामदिति खा, महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्वितः। ये कल्कि पुराण का मंत्र है, कल्कि पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 21 क्या है, एतस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचार समन्विता। एतस्मिन्नंतरे लोगों गौर से सुनो मेरी बात, मलेच्छ आचार, अनपढ़ों के अंदर एक गुरु आएंगे, मलेच्छ अनपढ़, आचार गुरु, अनपढ़ों के अंदर एक गुरु आएंगे, उम्मियों में एक पढ़ाने वाला, उम्मियों के अंदर एक समझाने वाला आएगा, मलेच्छ उम्मी अनपढ़ आचार्य गुरु, उम्मियों के अंदर एक गुरु आएगा, अनपढ़ों में आचार्य गुरु आएगा, टीचर आएगा। गौर से सुनिएगा, यहां आखिरी नबी को टीचर कहा गया, अनपढ़ों में आएगा, अनपढ़ों में आएगा, नाम क्या होगा, महामद इती खयाता, उसका नाम महामद होगा, और वो महामद के नाम से ख्याति पाएगा, मशहूर होगा, समन्विता सबको बराबर की नजर से देखेगा, उसकी नजर में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा। बस मंत्र का तर्जमा हो गया आपके सामने। अब मंत्र की तशरीह देखिए क्या है, मंत्र की तशरीह, अनपढ़ों के अंदर, आए लोगों गौर से सुनो, अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य एक गुरु आएगा, अनपढ़ मतलब उम्मी, माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता, पढ़ना लिखना नहीं, उनके अंदर एक पढ़ाने वाला आएगा। कुरान ने उम्मियों के अंदर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनको आचार्य कहा, गुरु कहा, मुअल्लिम कहा, मुअल्लिम पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। दलील कुरान की इस आयत को उठाइए, वल्लजी बअथ फिल उम्मीइना रसूलन मिनहुम
यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह की शान तो यह है, अल्लाह तो वो है जिसने भेजा मबूस फरमाया, प्रेषित किया, जिसने भेजा कहां, उम्मियों के अंदर, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से एक रसूल भेजा, कहां भेजा, अनपढ़ों के अंदर भेजा। अब आचार कहां है, गुरु कहां है, मंत्र तो कह रहा है कि वो अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे, गुरु होंगे वो अनपढ़ों के। कुरान आगे कह रहा है यतलु अलैहिम आयातिही, वो रसूल उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। यतलु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम, उनको शिर्क और बिदअत और गुनाहों की गलाज़त से निकालता है, पाक और साफ करता है, पवित्र करता है। और आखिरी चीज जो हमारे मंत्र को साबित कर रही है क्या है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, सिखाता है, उनको किताब और हिकमत पढ़ाता है, उनको किताब और हिकमत का दर्स देता है, पढ़ाने वाला टीचर हुआ। युअल्लिमुहुम पढ़ाता है, फाइल मुअल्लिम वो टीचर है, वो पढ़ाता है उनको किताब और हिकमत, अनपढ़ों के अंदर हमने भेजा, वो अनपढ़ों को पढ़ाता है, अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, उनको शिर्क बिदअत और गुनाहों से पाक को साफ करता है, और उनको किताब और हिकमत पढ़ाता है, पढ़ाने वाला टीचर। अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधिकार अनाश विधाय भीतदो दयत विवेका, एक मंत्र, एतस्मिन् नंतरे मले आचार समन्वितः महामद्दि खयात शिशाखा समन्वितः, ये दो मंत्र मैंने अभी आपके सामने पढ़ दिए हैं, और इसका तर्जमा क्या है, उनका नाम महामद होगा। गौर से सुनो, मलेच्छ आचार मलेच्छियों में आएंगे, आचार अनपढ़ों में आएंगे, और अनपढ़ों के वो गुरु होंगे, अनपढ़ों के वो उस्ताद होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मियों के अंदर आए, और उम्मियों के वो उस्ताद थे, आपने उन अनपढ़ों को पढ़ाया। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, दो मंत्र आपके सामने आ गए। हालांकि एक चीज और है, समन्विता, वो सबको बराबरी की नजर से देखेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबको बराबरी की नजर से देखा, सबको एक नजर से देखा, नबी की नजर में कोई छोटा नहीं था, नबी की नजर में कोई बड़ा नहीं था, सबकी हैसियत बराबर। बल्कि इसी चीज को आपने अपने पैरों से रौंदा, जमाने जाहिलियत के तमाम कारनामों को आपने हज्जतुल विदा के मौके पर अपने पैरों से रौंदा था, और साफ हज्जतुल विदा के मौके पर आपने जहां बहुत सी चीजें सिखलाई थी, उनमें एक चीज आपने यह भी बताई थी, कुल्लुकुम मिन आदम व आदमु मिन तुराब, हाय लोगों सुनो, तुम सब आदम के बेटे हो, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से बने हो।